हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं चावल के आटे के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं पहले भी चावल के आटे के पापड़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पर आज मैं दूसरे मेथड से चावल के आटे के पापड़ आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप इनको होली पर बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। चावल के आटे के पापड़ बनाने के लिए एक बाउल में हम एक कप चावल का आटा ऐड करेंगे। अब हम इसमें दो कप पानी का यूज़ करेंगे। पहले एक कप पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्पून की हेल्प से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो पहले एक कप ऐड कर दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए। इसके बाद में जो दूसरा कप है वो भी पानी का ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जिस कप से चावल का मेज़रमेंट लिया है हमने, उसी कप से हमें पानी का भी मेज़रमेंट करना है। पापड़ बनाते समय ख़ास मेज़रमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। और ये चावल का आटा मैंने मार्केट का यूज़ किया है, आप चाहे तो घर का चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम प्लेट से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब एक भगोने में हम 5 कप पानी ऐड करेंगे। एक कप चावल के आटे में हमें 7 कप पानी ऐड करना है। 2 कप हमने पहले ऐड कर लिया है, 5 कप हम अभी ऐड करेंगे। अब इस भगोने को एक प्लेट से ढक देते हैं ताकि पानी में उबाल जल्दी आ जाए। तो प्लेट को हटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा नमक। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा। अगर आपको बिल्कुल वाइट पापड़ चाहिए तो आप जीरा अवॉइड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने घोल बनाकर रखा था चावल के आटे का, वो स्पून से हिलाते हुए इस तरीके से पानी के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है, इसलिए पानी को हिलाते हुए पानी में ऐड करें। अब इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर। 1 मिनट के लिए भी आप रुक नहीं सकते हैं, नहीं तो मिक्सचर के अंदर गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए लगातार इस मिक्सचर को चलाते रहें हाई फ्लेम पर। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मिक्सचर के अंदर शाइनिंग आ गई है और मिक्सचर गाढ़ा भी हो गया है। तो समझिए हमारा जो पापड़ का मिक्सचर है वो तैयार है। जब चावल का आटा पकने लगता है तो खुशबू भी आने लगती है, तो आप समझिए हमारा चावल का आटा अच्छे से पक गया है। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो आप 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर इस चावल के आटे को पका लीजिए। तो अब हमारा चावल का आटा पक चुका है, तो गैस ऑफ कर देते हैं। अब अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पॉलीथीन पर हम ऑयल लगाएंगे हाथों से इस तरीके से। अच्छे से हमें ऑयल लगाना है पॉलीथीन के ऊपर, ताकि हमारे पापड़ चिपके नहीं। अब मिक्सचर लेंगे। ये पापड़ आपको हल्के गर्म मिक्सचर में ही बनाने हैं। तो इस तरीके से एक स्पैचुला से आप मिक्सचर लीजिए, गोल गोल फैला दीजिए। इन पापड़ को आप थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा इनको पतला भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें पतले पसंद है, तो इसलिए मैं इन पापड़ को पतला बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको सारे पापड़ बनाकर तैयार करने हैं। और पापड़ जब आप बना रहे हो तो ख़ास इस मेज़रमेंट का ध्यान ज़रूर रखिए कि 1 कप चावल के आटे में हमने 7 कप पानी का यूज़ किया है। इसी की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, तो जितने भी आप पापड़ बनाना चाहते हैं आप बना पाएंगे ईज़िली। तो ये देखिए मैंने सारे पापड़ को अच्छे से बना लिया है। इनको आप धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर छांव में भी सुखा सकते हैं। मैंने इन पापड़ को 2 दिन धूप में सुखाया है। अब 2 दिन के बाद में हमारे चावल के आटे के पापड़ तैयार है। आप देख सकते हैं कितने पतले बने हैं और कितने शाइन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इनको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर दीजिए और गरम ऑयल में ही पापड़ को हमें बनाना है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में बना देंगे तो चावल के जो पापड़ हैं उनके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो तेज़ गरम में ही आपको ये पापड़ तैयार करने हैं और इस तरीके से चिमटे से बाहर निकालना है, ताकि जितना भी इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से सारे पापड़ हम तैयार कर लेते हैं। और इन पापड़ को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 साल तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।